बॉलीवुड के नवाब यानी सैफ अली खान की बात करते हैं तो सैफ अली खान अक्सर कम मूवीज में नजर आते हैं लेकिन काफी चूजी रहते हैं वो अपनी फिल्म्स को लेकर। वहीं उनके फैंस को भी इंतजार रहता है कि कब सैफ अली खान पर्दे पर अपनी मूवी लेके आए। तो रिसेंटली हमने देखा था कि सैफ अली खान की आने वाली मूवी लाल कप्तान के पोस्टर्स हमारे सामने आए थे लेकिन आज सैफ अली खान ने सरप्राइज दे दिया है अपने फैंस को बिकॉज उनकी मूवी यानी लाल कप्तान का ट्रेलर आ चुका है हमारे सामने। इस मूवी के ट्रेलर की बात करें तो इस मूवी के ट्रेलर को देखने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में है सैफ अली खान के लुक्स। सैफ अली खान ने आज तक ऐसे लुक्स आज तक किसी भी मूवी में नहीं अपनाई है। सैफ अली खान इस मूवी में काफी ज्यादा अलग लुक में नजर आ रहे हैं। वहीं इस ट्रेलर को देखने से यह भी पता चलता है कि इस फिल्म के जो डायलॉग्स हैं, डायलॉग डिलीवरी है काफी ज्यादा मस्त होने वाली है बिकॉज डायलॉग्स लिखे हैं सुदीप शर्मा ने। वहीं इस फिल्म की डायरेक्शन की बात करें तो नवदीप सिंह ने बाकमाल डायरेक्शन दी है जैसा कि इस फिल्म के ट्रेलर को देखने से पता चलता है बिकॉज काफी बारीकी से हर चीज को दिखाया गया है, फिर चाहे वो सैफ अली खान की लुक्स की बात हो या फिर डायलॉग्स की। वही प्रोडक्शन की बात करें तो आनंद एल रॉय इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं और रिलीज डेट की बात करें तो 18 अक्टूबर को ये फिल्म सिनेमा घरों में हमारे सामने आ रही है। वहीं अगर हम ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर को बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है ऑडियंस का और सैफ अली खान को स्पेशली बहुत ज्यादा तारीफें मिल रही हैं बिकॉज वो ऐसी पहली मूवी में नजर आने वाले हैं। सैफ अली खान को हमेशा हमने नवाबों वाली लुक में देखा है या फिर यंगस्टर्स वाली लुक में देखा है, इस बार वो भोले के भक्त नजर आने वाले हैं इस मूवी में। तो देखते हैं ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स रहता है लाल कप्तान फुल मूवी के बारे में, लेकिन फिलहाल जो ट्रेलर है उसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।